नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक काटा होता है उसको कंप्यूटर काटा भी बोला जाता है। कोई भी सामान उसको वेट करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक काटा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग वे मशीन भी बोला जाता है। इसको कई नाम से जाना जाता है, इसको कंप्यूटर काटा भी बोला जाता है। उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसका डिटेल्स तो जानेंगे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगा होता है, इसमें क्या क्या खराबी आता है, तो उसके बारे में जानेंगे। ये कौन कौन कंपनी का बना होता है, तो यह जनरली डिजीमैक्स, सचिन इंजीनियरिंग, अक्यूट इंजीनियरिंग, AMI, कंप्यूटेक, जनता, ये सब कंपनी का बना होता है और भी बहुत सारा कंपनी का बना होता है। इसका जो पार्ट्स होता है वो स्विच होता है, इसमें डिस हाउसिंग होता है, जिसके अंदर ये हाउसिंग के अंदर मतलब ये जो पूरा पार्ट्स होता है, तो स्विच होता है, हाउसिंग होता है, बैटरी 6 वोल्ट का होता है, एक लॉजिक कार्ड होता है, लोड सेल होता है, डिस्प्ले 2 होता है, फ्रंट साइड डिस्प्ले और बैक साइड डिस्प्ले, IC होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ये सभी पार्ट्स जनरली पाया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर, डिजिटल बैलेंस के अंदर। अब ये जो लोड सेल होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो वेट करने का जो काम करता है, जो सामान का जो वजन करता है, वो लोड सेल वर्क करता है, लोड सेल का ही पूरा काम होता है। यही लोड सेल वर्क करता है, तो इसका जो काम होता है लोड सेल का, वो वेट को मापने का होता है। इसमें 4 वायर होता है, 4 वायर इसमें होता है, लोड सेल के अंदर से 4 वायर निकलता है। लोड सेल मेटल का एक बॉक्स जैसा होता है और इसमें 4 वायर होता है, रेड, ब्लैक, येलो और वाइट। 4 वायर में 2 वायर इनपुट सप्लाई के लिए होता है और 2 वायर आउटपुट सप्लाई के लिए होता है। इसमें 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया जाता है और आउटपुट में जब तक इस पर कुछ वेट नहीं रहता है तब तक 0 mV देता है, और जब ही इस पर कुछ वेट डालते हैं तो ये वेरिएशन करता है, मतलब इस वोल्टेज जो है वो 0 से चेंज होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 इस तरह बढ़ने लगता है, तो इस तरह वर्क करता है। इसका टेस्टिंग के बारे में, ये जो वायर है लोड सेल का टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो लोड सेल का टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को ओम रेंज में सेट करेंगे और इसका जो रेंज, इसका जो रेजिस्टेंस है, जब चेक करेंगे तो इनपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, 3, 350 इस तरह दिखलाएगा या उससे ज़्यादा भी दिखलाएगा, और जो आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, मतलब इनपुट में जो 2 वायर है, रेड और ब्लैक, इस पर जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू शो करेगा, कुछ रेजिस्टेंस दिखलाएगा, और ये आउटपुट येलो और वाइट पर जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इनपुट से कम रेजिस्टेंस दिखलाएगा। इस तरह इसका चेक करते हैं। उसका दूसरा टेस्टिंग भी होता है, इसको इसमें इसका हॉट टेस्टिंग करते हैं, इसमें मिली वोल्ट दे देते हैं, मिली वोल्ट देंगे इसमें रेड और ब्लैक में, ये 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, सॉरी, इसमें रेड और ब्लैक में 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, और जब इस पर इसके लोड के ऊपर कुछ लोड डालेंगे, कुछ वेट डालेंगे लोड सेल के ऊपर, और आउटपुट में चेक करेंगे इसका जो आउटपुट का जो वायर है येलो और ब्लैक, सॉरी येलो और वाइट, इसमें चेक करेंगे तो इसमें क्या दिखलाएगा, पहले जब तक इसके ऊपर लोड सेल के ऊपर कोई वेट नहीं रखा हुआ रहेगा तब 0-0 शो करेगा, और जब इसके ऊपर लोड सेल के ऊपर जब वेट रखेंगे तो ये वेरिएशन करेगा, मतलब चेंज होगा इसका वैल्यू, ये मिली वोल्ट में शो करेगा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 20 इस तरह बढ़ने लगेगा, तो इससे मालूम हो जाएगा कि लोड सेल ओके है। अब इसमें होने वाला नॉर्मल गड़बड़ी कौन कौन सा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेट मशीन ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, उस कंडीशन में क्या है कि इसका जो मेन लीड होता है उसको चेक करेंगे, मेन लीड पर 220 वोल्ट AC आ रहा है कि नहीं, अगर मेन लीड सही है तो ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर ओके है तो लॉजिक कार्ड में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये सबको चेक करेंगे। इसके बारे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है इसका वीडियो हमारे एक YouTube चैनल है, US इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर भरा हुआ, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, उसको वहाँ से सीख सकते हैं। तो लॉजिक कार्ड में जो भी कंपोनेंट लगा होता है उसको चेक करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे, इसमें 6 वोल्ट का बैटरी होता है, बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में चेंज करेंगे और बैटरी को चेक करेंगे 6 वोल्ट दिखला रहा है कि नहीं, वो अगर मतलब 4 वोल्ट से 3 वोल्ट से कम दिखला रहा है तो बैटरी ख़राब है, उसको बैटरी चेंज कर देंगे। इस तरह
अगर और स्विच में चेक करेंगे, स्विच का गड़बड़ी है मतलब कि अगर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो हो सकता है स्विच ख़राब हो, स्विच बदल के भी देख लेंगे, या स्विच का चेक करते हैं, स्विच कैसे चेक करते हैं उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ, उसको देख सकते हैं। तो ये सब कंपोनेंट को चेक कर करके चेक कर लेते हैं, जो कंपोनेंट ख़राब होता है उसको चेंज कर देते हैं, और अगर वो रिपेयर होने वाला है तो उसको रिपेयर करते हैं, इस तरह ये फॉल्ट को सही करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका जो डिस्प्ले है उसमें बिना वेट डाले हुए ही इस वेरिएशन दिखला दे रहता है, जैसे ही ऑन करते हैं उसका 2, 4, 6, 8, 10 अपने आप प्लस में या माइनस में, कभी -10, -20, -30, -25 इस तरह मतलब शो करते रहता है, या कभी प्लस में भी शो करते रहता है। तो उसमें जो गड़बड़ी होता है वो लोड सेल जो होता है उसका खराबी हो सकता है, लोड सेल खराब हो सकता है, या उसका जो ये जो वायर है, जो लोड सेल के ऊपर जो वायर है, रेड, ब्लैक, येलो, वाइट, ये सब लॉजिक बोर्ड से कनेक्टेड होता है। लोड सेल से निकलने के बाद लॉजिक बोर्ड में जाता है, तो लॉजिक बोर्ड में ये कनेक्टर के थ्रू जाता है, या कहीं कहीं डायरेक्ट सोल्डिंग हुआ रहता है तो उसको रीसोल्ड कर लेंगे, डायरेक्ट सोल्ड रहेगा तो, और कनेक्टर के थ्रू गया रहेगा तो कनेक्टर को चेक कर लेंगे, उसको थोड़ा क्लीन करके फिर दोबारा लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये सब जनरल प्रॉब्लम आता है और इस तरह इसको ठीक करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।